चलो एक बार लिख के देखते हैं बस। कल केमिस्ट्री में कितने लोगों ने रिवीजन किया, जाके घर पर रिवीजन किया क्या? मैसेज अभी कितनों ने भेज दिया? एक दो तीन, तीन बच्चों ने मैसेज किया। पढ़ाई का मैसेज कंपलसरी है, रोज भेजना है। तुम करते क्या? की क्यों नहीं किया? हाँ क्यों नहीं भेजा? भूल गए क्यों बेटा? क्लास तो टाइम पे है। कल से भेजोगे? आज से भेजना है। मास्क लगा लो थोड़ा। अच्छे अच्छे ग्रेड क्या हो? चलो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। कल केमिस्ट्री में क्या किया था याद है क्या? कल केमिस्ट्री हमने आयनाइजेशन एनर्जी किया था। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कम होती ज्यादा? ज्यादा होती। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कितनी एनर्जी अपन देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी तक ले जाए, ठीक है? तो उसके अंदर ट्रेंड क्या होता था याद है क्या? अगर लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी और टॉप से बॉटम डिक्रीज करेगा, टॉप से बॉटम डिक्रीज करेगा। तो पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका आयनाइजेशन एनर्जी होता है? सबसे कम? वेरी गुड। अच्छा उसके बाद में हमने चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा? साइड इफेक्ट, साइज, क्या क्या होता है? थर्ड थर्ड सब चुन कर रहे हैं आप बताओ। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा क्या उसका ऑर्डर बताओ? पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर S-P-B-F। अच्छा पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस? सबसे क्लोज कौन होता है? फिर डी, फिर डी, फिर अच्छा एक और फोर्थ फैक्टर है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? हाफ फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल होते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा जोर लगेगा, ठीक है? नोबल गैस का सबसे ज्यादा होगा। नोबल गैस का ज्यादा क्यों होता है आयनाइजेशन एनर्जी? होता है और स्टेबल होता है, ठीक है? इतनी सी बातें थी। फिर और क्या डिस्कस किया था मैंने? ईजी ने करी थी। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर एक क्रोमियम था और मैंगनीज था। तो ऐसे याद होना चाहिए। सर ने क्या बताया था जरा आपस में एक दूसरे को सुना दो, ठीक है? रात में फोन कर दो, आज रात अभी सुबह सर ने ये पढ़ाया था ये समझ में आया, तो आपको भी रिविजन हो जाएगा। ऐसे नहीं देखा ये गेम खेलते हैं, ये गेम खेलते गेम खेलते क्या तुम? तो आगे एकदम लाल लाल लग रही है। सोए नहीं क्या? सोए कितने घंटे? तीन घंटे। तीन घंटे पढ़ाई कर रहे थे, बातें कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, दोनों कर रहे थे। रात को कौन बात करता है तुमसे? नहीं बोलते बाबू भैया, समझ लो। क्लास टाइम पे आया करो, ठीक है? एकदम फ्रेश हो गए आधी तीन में हो। सूस्टम चमकेगा कुछ? नाने बोले मेरे को चमकता ही नहीं है, क्या चमकेगा? अरे मेहनत करनी पड़ती है, रौनक मेहनत नहीं करता। हाँ मस्त एकदम जाके एकदम खाकर पानी खा पी के सो जाता। चलो ठीक है, इसके आगे पर कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स पर। फिजिक्स में देखो ये टफ चैप्टर चल रहा है, काइनेमेटिक्स टू। काइनेमेटिक्स वन फिर भी थोड़ा बहुत ईजी था, काइनेमेटिक्स टू थोड़ा सा जान पे आता, जान पे आया। तो सबसे पहला वापस डे वन से रिविजन कराते आपको। ये बॉल है, इसको यू स्पीड दिया, थीटा एंगल से फेंका। देखो 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 आराम से बस बोर्ड पे देखो। अरे क्या, ठीक है? पिछले एपिसोड में आपने ये सब देखा था। तो बॉल है, इसको अपन ने यू स्पीड से प्रोजेक्टाइल किया। प्रोजेक्टाइल दो मोशंस होते हैं, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो बॉडी ऐसे जाके ऐसे जाए, this is A and this is B, clear है ना? अच्छा ये क्या है?
एच मैक्स, ये जो ग्राउंड से डिस्टेंस है वो एच मैक्स, ए से बी की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ए से बी की डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं, ठीक है। और अपने को पता है ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना होगा, यू और ये वाला कंपोनेंट साइन थीटा, ओके। ये वाई वाला है, ये यू वाई है, और ये कितना है, यू एक्स। अच्छा यू एक्स आ गया यू कॉस थीटा, व्हाट इज ए एक्स, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, जीरो। एक्सेलरेशन या एक्स डायरेक्शन जीरो क्यों है, क्योंकि कोई भी एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कॉन्स्टेंट रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है। तो यहाँ पे जब गिरेगा, गिरने से जस्ट पहले यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, अच्छा गिरने से पहले यहाँ नीचे स्पीड कितनी होगी, जितनी स्पीड से फेंका था उतनी स्पीड से आएगी क्या, अच्छा ये एंगल कितना बन जाए, जिसने ऊपर बनाया था इसने क्या किया, नीचे बनाया, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा किसी भी इंस्टेंट पे वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू वाई प्लस ए वाई टी, तो वी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू साइन थीटा माइनस, ये समझ में आ रहा क्या। तो हमने ये एक्स में है और ये वाई में, ये कांस्टेंट रहेगी, ये क्या हो रही है, कांस्टेंट है कि टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे यू वी वाई कितना हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट जीरो, और यू एक्स कितना रहेगा, वी एक्स कितना, यू कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे क्या, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मिनिमम होती है, पर क्या स्पीड जीरो थी क्या हाईएस्ट पॉइंट पे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट जीरो था, एक्स वाला कंपोनेंट जीरो नहीं होता। सर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको बढ़ाने वाला या रोकने वाला कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। ओके सर, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी किधर होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे, मिनिमम जो वी मिनिमम है बॉडी की वो कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा, दिस इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ओके। ये सब आ गया, टाइम ऑफ लाइट एक्स एक्सिस में मिलता है कि वाई एक्सिस में, जितनी वैल्यू होती क्या रेंज दो एंगल्स पे सेम आ सकती है, वो एंगल्स पे क्या रिलेशन होता है, एक थीटा वन है दूसरा होगा 90 माइनस थीटा वन, ठीक है। अच्छा ये अपन ने किया था कि जितना जितना जीरो से लेके 45 डिग्री तक अगर एंगल बढ़ाओगे तो आपका रेंज बढ़ता जाएगा, 45 डिग्री के बाद में एंगल बढ़ाओगे तो रेंज क्या होगा, ठीक है। फिर टाइम ऑफ लाइट और उन सबके रेशियोज निकलवाए थे, याद आ रहा। अच्छा वेलोसिटीज के भी अपन ने फॉर्मूलेस मेजॉरिटी कर लिए थे, ठीक है। तो कल पिछले क्लास के प्रॉब्लम्स देखे क्या सबने, पक्का क्लियर है। अच्छा तो चलो मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम देता, कितने लोग कर पाते हैं, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखना पड़ेगा। ये देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, कैसे, v इज इक्वल्स टू 15 आई क्या प्लस 20 माइनस 10 टी जी, ठीक है। Is the velocity of a projectile is given by this as function of time. Then find. तो find करिए, पहला क्या, पहला आप find करिए उसका ux and uy. Second उसका find करिए speed of projection find. थर्ड फाइंड करें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फोर्थ फाइंड करें उसका रेंज, फिफ्थ फाइंड करें एच मैक्स,
और फिर एक है टाइम ऑफ रन, फाइंड करो। नहीं हुआ यार, सिंपल सा तो है। कुछ नहीं चाहोगे क्या करना? ये देखो वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया है क्या, तो एक्स में कितना है देखो, ये भी सॉरी इधर भी कितना है ना आपको दिख जाएगा। तो व्हाट इज एक्स में वेलोसिटी 15, व्हाट इज वाई में वेलोसिटी 20 माइनस 20। अरे समझो ये एक्स में तो सेम है, वाई में टाइम के साथ क्या हो रहा है चेंज, तो वाई में एट टी इज इक्वल टू 0 व्हाट इज वी एक्स 15 है सर, व्हाट इज वी वाई कितना है, तो ये आपने प्रोजेक्टाइल देखा है सर थीटा से यू स्पीड से, एक्स में कितना है 15, वाई में कितना है 20, वाई में कितना है 20, और ये कैसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये 15 और ये ऊपर वाला 20, तो यू एक्स कितना है 15, यू वाई कितना है 20, समझ में आ रहा। फिर आपसे क्या पूछा है, ये दो फर्स्ट पार्ट तो निकल गया, फर्स्ट पार्ट निकल गया, सेकंड पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कितनी हो जाएगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी स्पीड से देखा था रूट अंडर यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस यू वाई का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 625, कितना होगा ये 25 मीटर पर, कितना हो जाएगा ये 25 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो थर्ड, देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बता देगा, टेन थीटा कितना होता है यू वाई बाय करा रहा है ना यार ऐसा, देखो यू वाई कितना आएगा यू साइन थीटा, यू एक्स कितना है यू कॉस थीटा, तो यू यू कैंसिल होके साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा, यू वाई कितना है 20, यू एक्स कितना है 15, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 4/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी 53 डिग्री, इतना आएगा
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। अरे भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है? टू यू साइन थीटा बाय जी। व्हाट इज यू साइन थीटा? यू साइन थीटा कितना है? ये ना 20, ऊपर वाला साइन थीटा होता है, इधर वाला कौन सा होता है? कॉस थीटा। अरे व्हाट इज यू एक्स? यू एक्स इज यू कॉस थीटा। व्हाट इज यू वाई? यू वाई इज यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 20 बाय जी कितना है? 10। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। अब निकालो जरा रेंज, रेंज निकालो। अच्छा आप ले गया, रेंज कितना है? 60 आया। कितनों का 60 आया? नहीं, 1, 2, 3। क्या दिया हुआ है? ए आई कैप प्लस
B minus C T J cap. Find U X and U Y in the moments. Time. Find time of ascent. Time of flight. देखो यहां पे क्या है, ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी सी क्या है कॉन्स्टेंट्स, तो आप ए और बी, ए बी सी के टर्म्स में कोई आंसर बताइए। तो इसके देखो इसमें आई और जे दे दिया,
तो मतलब उसका x एक्सिस में भी कंपोनेंट और y एक्सिस में भी कंपोनेंट है। हमने अभी जनरल फॉर्मूला देखा था कि ये क्या होता है, दिस इज v u cos थीटा i का प्लस u sin थीटा माइनस gt j का। हमने ये चीज देखी, हमने क्या देखा था, ये चीज देखी थी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है जिसका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसकी वैल्यू होती है u cos थीटा i का प्लस u sin थीटा माइनस gt, जिसके अंदर i कैप में जो क्या है u cos थीटा, y कैप में क्या है u sin थीटा माइनस gt। आपका x में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, y में एक्सेलरेशन होता है कितना है g, y में कितना एक्सेलरेशन होता है g होता है, ठीक है। तो यही सेम मॉडल पे अगर अपन देखें तो ये जो x कंपोनेंट कितना है a, ये पूरा कितना होगा b माइनस g की जगह c, d की जगह पे t। तो यहाँ पे ux कितना हो जाएगा, ux होता है ये वाला i कैप में पीछे वाला, ux यहाँ से आ गया a। यहाँ पे ay कितना होगा, ay देखो ये वाला जो माइनस dt से माइनस समथिंग t से पहले वाला, ये u sin थीटा, तो u sin थीटा आ गया t। फिर बोला है कि ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, ये तो क्या टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट पे क्या होता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है जीरो। तो b माइनस ct इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहां से b की वैल्यू आ जाती ct, t की वैल्यू आ जाएगी b by c, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर है, ये वाला पॉइंट टाइम ऑफ एसेंट, एक्सेलरेशन इन x, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी इन x, वेलोसिटी इन y, इनिशियल वेलोसिटी, फिर टाइम ऑफ एसेंट सॉरी टाइम ऑफ एसेंट का टू टाइम करोगे तो आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 b by c, रेंज कितना है ux into कैपिटल t, ux की वैल्यू कितनी है a, कैपिटल t की वैल्यू कितनी है 2b by c, और ये वैल्यू आई 2ab by c, फाइनल वैल्यू कितनी है 2ab by c। क्लियर है यहां तक पक्का, ओके चलो। अब इसी के साथ में ये सेक्शन कंप्लीट हो गया जिसके अंदर आपको बेसिक प्रोजेक्टाइल के सवाल, जिसके अंदर एक्सेलरेशन दिया हो। अब एक रहता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी रहता है, उसको अपन बाद में करेंगे, पहले जरा इसके ऊपर कुछ सवाल देख लें। आपको सवाल जो है अरे इंटेक्स एक्सरसाइज 6 किया था क्या, इंटेक्स एक्सरसाइज 6 किया था, नहीं किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने कितने 50 तक कर लिए थे क्या, 49 तक किया था, 49 तक किया था ना एक्सरसाइज वन, 50 सवाल करो, 50 नंबर का सवाल, नंबर का सवाल देखो, आराम से उसको सॉल्व करते जाओ, जितने होंगे नहीं होंगे तो अपन बताएंगे।
नहीं हुआ क्या? ठीक है, अगर 50 नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 50 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। 51 देखो, 50 में हॉरिजॉन्टल मोशन आ गया, वो 51 देखो, ये पूछा है। हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, कितने स्पीड से फेंका भाई? कितने से फेंका? 8√2। ये गया ऐसे आया, हाईएस्ट पॉइंट पे कितना है उसका? 8 है सिर्फ। हाईएस्ट पे कितना है? 8 है। हाईएस्ट पे 8 है मतलब इसका एक्स कंपोनेंट कितना है? 8। एक्स कंपोनेंट इज 8। ux की वैल्यू कितनी होती है? u cos थीटा। अरे ये u है तो ये वाला हो जाएगा u cos थीटा और ये वाला हो जाएगा u sin थीटा। तो u cos थीटा की वैल्यू है 8। u की वैल्यू कितनी है? 8√2। 8√2 cos थीटा दिस इज 8। cos थीटा के यहां से वैल्यू कितनी है? 1√2। थीटा की वैल्यू कितनी है देखो? 45 degree। थीटा की वैल्यू 45 degree। रेंज निकालो, फटाफट निकालो, निकालो, हो गया। cos थीटा की वैल्यू पता चल गई। रेंज का फॉर्मूला क्या होता? यस बताओ बेटा, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा कर लूं क्या? बाय g। u स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 8√2। तो 8 का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर इनटू 2। ये कितना है साइन? ये थीटा कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है? कॉस 45 डिग्री बाय जी। तो ये 2 हो गया तो इसमें इसको मार दिया, ये कितना होगा? 64 इनटू 2 बाय 10 कितना हो गया? 128 बाय 10। तो कितना? 18.8। तो आंसर क्या है उसका? 51 का आंसर सी। ओके सेकंड देखो, बोला है जब उसको 15 डिग्री से फेंका तब रेंज आता है 1.5। अब आपसे पूछा है जब मैंने उसको 45 से फेंका तब रेंज कितना है? 3 किलोमीटर। कितनों का आ गया? चलो जरा देख लेते इसको। लिख लो,
गया, कितनों का हो गया? Y में, y में, y में. So this is y. What is velocity in y?
u साइन थीटा डी प्लस हाफ ए कितना है माइनस जी ये कितना है डी स्क्वायर तो आई इज इक्वल टू u साइन थीटा डी माइनस हाफ जी डी स्क्वायर ये चीज समझ में आ रही है एक y में इक्वेशन आया और एक x में इक्वेशन आया अब यहां पे भी टाइम फैक्टर है वहां पे भी क्या है टाइम फैक्टर हमको इक्वेशन किस में लाना है x और y x किस में दिया हुआ है x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखो x टाइम पे डिपेंड करता y भी टाइम पे डिपेंड करता और हमको x और y को रिलेट करना क्या करना है x और y तो टाइम को गायब कर दो तो देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो जरा x is equal to कितना होता है वहां पे u ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 क्या मैं लिख सकता हूं t is equal to x upon u cos theta कितना समझ में आ रही है t is equal to x upon अरे उसको जो हेड से टाइम को ले आओ और टाइम को इस पर डाल दो तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 कितना हो जाएगा y is equal to u sin theta t की वैल्यू कितनी x upon u cos theta minus half g t की वैल्यू कितनी x upon u cos theta का होल स्क्वायर अब इसको बस क्या y और x को लिख जरा इसको सॉल्व करो यहां तक लिखो फिर इसको आगे सॉल्व करना है कितने अभी लिख रहे हैं जल्दी लिखो बेटा
ये बात तो हुई क्या? तो देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गया y इज इक्वल्स टू u ने u को मारा, ये देखो ये u ने u को मार दिया, कितना बना x क्या है sin theta / cos theta, कितना होता और ये माइनस आप g x square upon u square cos square theta, क्या मैं इसको x sin theta लिख दूं? Yes, this is half g x square upon u square cos square theta. ये है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. तो y x tan theta minus half g x square. अच्छा अब ये देखो ये इसे पीछे ये कोफिशिएंट है, ये x है ये x square है, तो x square मतलब क्वाड्रेटिक और ये x square के पीछे वाला साइन क्या है? नेगेटिव. तो इन कटोरा कैसा? नीचे. कैसे कटोरा? नीचे निकल. ओके अभी इसके अंदर एक चीज आप और कर सकते, वो क्या कर सकते, इससे है ना x tan theta कॉमन निकालो. अगर मैंने x tan theta कॉमन निकाला तो यहां पे बच्चों क्या बचेगा? 1 माइनस दिस इज हाफ g, यहां पे x बचेगा, यहां u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, नीचे की तरफ आ जाएगा tan theta, नीचे की तरफ आ जाएगा tan theta. कितना हुआ कैलकुलेशन समझ में आया? देखो अगर ज्यादा दिक्कत आ रही क्या करो, इसको tan theta को x tan theta को मल्टीप्लाई कर दो, तो x tan theta into 1 x tan theta. अब माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, यहां x है ये x है तो x square हो गया, ये g है और ये tan theta, तो जाएगा माइनस g x square tan theta. हां g x square tan theta, नीचे 2 है u square और ये देखो cos square theta cos square, यहां पे tan theta नीचे आ रहा है और tan theta ऊपर, तो कैंसिल आउट करें. कितने को समझ में आ रही ये वाला पार्ट समझ में आया? ओके अब बस हो गया, इसको है ना थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं. एक तो ये याद रखना है, एक ये याद रखना है दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दूसरा इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं. सिंपलीफाई करके था y is equals to x tan theta 1 minus this is half g x square, this is u square, this is cos square theta. What is tan theta? Sin theta by cos theta. तो एक ने इसको मार दिया तो नीचे देखो क्या हुआ, x tan theta 1 minus half g x, this is u square, this is 2 sin theta cos theta, क्या अरे ये बना क्या, this is x tan theta, this is 1 minus this is g x, ये देखो ये देखो ये sin 2 theta, तो this is u square sin 2 theta, ये theta g जो है इसको इसके लिए नॉन टर्मिनल ले सकता हूं क्या? एक ही चीज होती, तो ये क्या होता है u square sin 2 theta / g, तो y is equals to x tan theta 1 minus x / r, ये रेंज को फॉर्म में भी लिखा जाता है. तो एक तो ये हो गया पहला और एक ये वाला हो गया. ये वाला कहां से है? पहले वाले से आया. स्टार्टिंग से हमने क्या किया, x x की वैल्यू निकाली है इस फंक्शन ऑफ टाइम, y की वैल्यू निकाली है इस फंक्शन ऑफ टाइम, फिर x से जो आया t की वैल्यू डाल दी x / cos theta y में, इस तरह से फॉर्म आ गया. सर क्वेश्चन बैक भी नहीं मिला है.
दोनों को आपको रखना है और ये फॉर्मूले बीच बीच वाले के ये वाला वो है y is equals to x tan theta minus xy r ठीक है अब जरा एक दो अपन लोग चीजें करते हैं आपको समझ में आ जानी चाहिए कंपेयर करते आना चाहिए जिसको फॉर्मूला पता रहेगा वही कर पाएगा इसको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है y is equal to x 1 minus x by 16 if the above is with the above is equation of trajectory find the range r and tan theta value range की value होता है r की और tan theta की value कितनी होगी range की हाँ सुमित tan theta वन कैसे क्या हो गया अरे सुमित यहाँ बताओ क्या हो क्या होता है उससे अरे देखो ध्यान से सुनो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है क्या देखो x है और tan थीटा की तो वैल्यू होती है यार tan थीटा की वैल्यू कुछ भी नहीं है बस कुछ भी नहीं है तो क्या जीरो के बाद वन तो यहां से comparing equations we get क्या tan theta is equals to 1 and range का value ये दोनों कंपेयर करके अपने को tan theta का value तो मिलता है 1 और range की value मिलती है 16 एक और देख y is equals to root 3x 1 minus x by 25 find tan theta and range हाँ भाई कौन बताएगा इसका बताएगा विनीत tan theta की वैल्यू कितनी बेटा tan theta कैसे कम कर दिया जो भी x से पहले रहता है वो क्या होता है tan theta की वैल्यू root 3 तो theta की वैल्यू कितनी है 60 रेंज की वैल्यू कितनी है कितनों समझ में आई बाकी को नहीं समझ में आ रहा क्या कंपेयर करना है ये चलो एक क्वेश्चन और लिखो away 4 meters away
4 meters away from the point of projection. 4 meters away from the point of projection. 4 meters away from the point of projection. And falls at a distance of, and falls at a distance of 14 meter, and falls at a distance of 40 meters away from the wall, and falls 14 meter away from the wall. Find range second tan theta, third u square. तीनों चीजें फाइंड करो, टाइम ले लो आराम से, बट आंसर आना चाहिए, आंसर फाइंड करो. Thank you.
जी जी कितों का हो गया? एक दो तीन। चलो देखो क्या बोला है, रेंज। अच्छा क्वेश्चन में रेंज दिया है उसमें, देखो वॉल से कितने डिस्टेंस है? चार। और गिरेगा कितनी दूर वॉल से? वॉल से 14 मीटर दूर गिरेगा। कितने से देगा कहता? 4 मीटर। और वॉल के दूसरे एंड पे कितना गिरेगा? तो ये ए है, ये बी है, ये डी, तो रेंज कितना हो जाएगा? ए डी प्लस डी बी। ए डी है 4, ये कितना है? 14। कितना हुआ? क्या दो आएगा इसमें? एक आसान है। ओके तो रेंज की वैल्यू आ गई 14। सर अब टेन थीटा कैसे निकालें? अभी आपको देखो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है? y इक्वल्स टू कितना होता है? y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r, ठीक है। और r की वैल्यू कितनी है? 18। अच्छा ये बताओ, ये यहां से बॉल को ऐसे टच करते जा रहा है तो ये कितना मीटर है? 4। ये कितना है? 4। तो यहां इससे टच कर रहा है, कुछ बोला ना सर? क्या बोल रहे हो उसमें? आई वाज डी बोला होगा ना स्टेटमेंट? अबाउट प्रोजेक्टेड क्लियर्स, क्लियर कर रहा है, मतलब जस्ट क्लियर कर रहा है। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रहा नहीं है। तो यहां पे हम एक्स को और वाई को वैल्यू 4 कर देते, तो इसको 4 किया, 4 इज इक्वल टू 4 tan थीटा 1 माइनस ये x, रेंज कितना है? 18। और x की वैल्यू कितनी है? 4। x की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहां से देखो ये गया 1 tan थीटा इज इक्वल टू 1 18 माइनस 4 14 बाय 18, तो ये कितना होगा? 7 बाय 9। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 9 बाय 7। अरे 9 बाय 7 कितने का है ये, समझ में आया क्या? हाँ कौन सा राउट है? 4 बाय 4 क्या? नहीं नहीं ये थोड़ी इस एंगल से थोड़ी प्रोजेक्ट आई क्या उसको? ये एंगल से प्रोजेक्ट कर लेंगे, इस आंसर से निकलेगा ये। आपने जो बॉल फेंकी, आप बोल रहे हो सर ऐसी बॉल थोड़ी जाएगी, ये एंगल थोड़ी है, ये तो चेंज होता जाएगा, ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। अरे ये स्ट्रेट लाइन में थोड़ी जाता है, आप जब बॉल को फेंकते हो तो प्रोजेक्ट आई में जाता है। ये नहीं कर सकते सर ये 4 ये 4 tan थीटा, नहीं tan थीटा कौन सा हो जाएगा? ये वाली एंगल जो है आपकी 45 डिग्री हो जाएगी, बट ये थीटा जो 45 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा टिल्ट भी होता है। देखो वैल्यू कितनी आ रही, 9/7, और 9/7 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एंगल जो है आपका 45 डिग्री से बड़ा है, 45 डिग्री एंगल नहीं है। किन्नो को बना के था गलत है, वो सही कर लो। ये नहीं कर रही सर ये इतना है, अरे कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल थोड़ी बना रहा है, ये जाता ही ऐसा है। देखो जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना उसकी एंगल कम होती है हॉरिजॉन्टल से, आपने इसको इधर से फेंका था हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल पे कितना एंगल बना था? 0। आपने फेंका उसको ऐसे, तो ऐसा गया ऐसे धीरे 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 स्लोप क्या हो रहा उसका? देखो ये एंगल जो भी थी यहाँ पे ये एंगल है, तो इसका ये जाके यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए, वे धीरे धीरे धीरे, हाँ इस पॉइंट का जो है वो 45 डिग्री, यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाया तो उसका 45 डिग्री हो सकता है। फिर धीरे धीरे ये कितना हो रहा है? 0। फिर कितना? नेगेटिव। चेंज होता रहता है, जो प्रोजेक्टाइल एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से वो मोशन में चेंज होता रहता है। आपने फेंका कितना से? थीटा से। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना बनाएगा? 0। जब नीचे आएगा तो नेगेटिव वाले से थीटा बनाएगा, मतलब ये वाला जो है ना नीचे की तरफ थीटा बनाएगा, तो एंगल चेंज हो रहा है उसका। अच्छा ये आ गया यू स्क्वायर की वैल्यू, बताओ जरा
सोचो मिल सकता है आपको आंसर। पहली वाली क्वेश्चन यूज करो, पहली वाली क्वेश्चन यूज करो उससे आएगा। अच्छा टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? टेन थीटा पर मान लेंगे। टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई तो ये थीटा ये है, दिस इज 9, दिस इज 7, ये कितना हो जाएगा? 81 + 49। 81 + 49 कितना होता है? हाँ? अरे इसका 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? ये 130। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 9/130। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/130। 7/130 है और ये कहीं 9/130। ओके तो सर हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है यू स्क्वायर का वैल्यू। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को दूसरे याद करो जरा। वाई का भी एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इसमें भी लिखाई थी, एक्स टेन थीटा माइनस कितना था? हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एड एक्स इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू कितनी है? 4। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 9/7। डाल दो जरा, 4 = 4 × 9/7 माइनस हाफ, ये जी की वैल्यू 10 है, दिस इज एक्स स्क्वायर है, ये यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? इधर निकालनी है सर। कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर? वो 7/√180 का होल स्क्वायर। तो देखो जरा कितना बना, 36/7 माइनस ये 5, दिस 5x², दिस इज u स्क्वायर, दिस इज 49, दिस इज 130, ठीक है। तो यहां से सॉरी सॉरी ये x स्क्वायर की वैल्यू डाल सकता हूं, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 60। ये डाल दो आंसर निकाल लो। रेंज से क्या आता है? रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा / g, तो इसको लिख सकते हैं u sin थीटा cos थीटा / g। रेंज अपना कितना आया था? 80। u स्क्वायर निकालना है, ये 2 sin थीटा कितना है? 7/ एक है 9/√2 और एक है 7/√1। अच्छे सवाल है एडवांस के लिए।
क्या करना है इसको, थोड़ा सा x कॉमन लेके जरा फॉर्म में निकालो, देखो इसको है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में लेके आओ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या होता है, x कॉमन निकाल लो, 1 माइनस x इनटू 2.5, ये सही निकाला है क्या? अच्छा अभी जरा देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस x अपॉन 1 अपॉन 2.5, बोले ये समझ में आ रहा है क्या? अच्छा इसको जरा इससे कंपेयर करो, y is equals to x 1 माइनस x by आर, इसे जरा कंपेयर करके देखो क्या tan theta की वैल्यू कितनी हुई, 1। अच्छा रेंज की वैल्यू कितनी हुई, 1 by 2.5 that is 0.4, 1 upon 2.5 ना 2 by 5, हाँ 0.4। ये समझ में आया कि नहीं? और यहाँ देखो, यहाँ से हमें पता क्या चला, tan theta की वैल्यू है 1, रेंज की वैल्यू है 1 upon 2.5, that is 10 by 2.5, that is 0.4 meter, this is 1, this is 2, फिर u square की वैल्यू वो भी निकाल लेंगे हम, देखो वो कितनी आएगी, रेंज कितनी होती है, u square sin 2 theta by जी, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो 2 into 45 डिग्री कितना हुआ, 90, और sin 90 कितना होता है, 1, तो दिस इज r into u square sin 90 डिग्री by g, ये हो गया 1, रेंज की वैल्यू कितनी है, 0.4, दिस इज u square, दिस इज g, तो u square की वैल्यू हो गई 0.4 into 10, कितना हुआ ये u square, 4, u square की वैल्यू कितनी है 4, u की वैल्यू कितनी है, सॉरी 4 का रूट कितना लो 2, 4 का रूट इज 2 मीटर पर सेकंड। बेटा ये इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गई, रेंज पता चल गया, u square पता चल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2 u sin theta by g, तो 2 u की वैल्यू कितनी है 2, ये इतना sin 45 डिग्री कितना 1/√2, तो ये वैल्यू कितनी आई, ये इसको कितना कर दो, दिस इज 2√2/10, जो भी आपको आंसर जिस पे ऑप्शंस पे दिया हो, टाइम आ गया, h max कितना होगा u square sin square theta by, बस समझ नहीं आ रहा, बस मुंह हिला रहे, डिफिकल्ट जा रहे ना थोड़े से, जितने भी आज के प्रॉब्लम्स हैं आपको 2 times प्रैक्टिस करने, 2 times प्रैक्टिस करने, और जो ट्रेजेक्टरी वाले सवाल है वो कितने बार लिखने,
जो सॉरी ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है वो 20 बार बार लिख के आप सवाल करो उसका। और इसमें देखो अभी और ट्रेजेक्ट्री खत्म नहीं हुआ है, इसको और ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा अपन और समय देंगे। अच्छा आप कौन सा पेज पे देखो जरा 43 इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, सोच के कुछ करके दिखाओ। 43 से लेके 47 तक, 53 वाला सवाल करो आप, 53 वाला करो आपको 57 तक, 53 वाला करो 53 वाला और आपका हो जाना चाहिए अब तो 57। थोड़े से टफ सवाल है ये, एक्सरसाइज 1 है जो जेईई में मेडिकल में एक्सरसाइज 2 में दिया हो, ठीक है। तो कंटेंट पार्ट आज का इतना ही रखते हैं, आज काफी हैवी हो गया।